आप होटल में रुके हों और कमरे में लेपर्ड यानी तेंदुआ आ जाए तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। इस सवाल पर आपका जवाब भी यही होगा, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब इस वीडियो को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला कहाँ का है। दरअसल जयपुर के रिजॉर्ट में जंगल की पगडंडियों से राह भटका एक लेपर्ड आधमका, जहाँ लेपर्ड किले के अंदर बने एक रिजॉर्ट के कमरे में घुस गया। लेपर्ड को देखते ही गढ़ में अफरा तफरी सी मच गई। लेपर्ड कमरे के अंदर इधर उधर टहलने लगा तो चौकीदार ने कमरे का गेट बंद कर दिया। इतने में विदेशी पर्यटक रिजॉर्ट छोड़कर बाहर आ गए और लेपर्ड कमरे के अंदर दुबक कर बैठ गया, जिसके बाद गढ़ के मालिक ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची टीम ने लेपर्ड के मूवमेंट को देखा और अपना ऑपरेशन शुरू किया। वन विभाग के कर्मचारी ने जैसे ही लेपर्ड को काबू करने की कोशिश की तो लेपर्ड ने सीधे गुर्राते हुए खिड़की की तरफ झपट्टा मारा, जिसके बाद गुस्साए लेपर्ड ने कमरे में पूरे सामान को बिखेर दिया और बिफर गया। लेकिन जैसे तैसे करीब एक घंटे की कड़ी जद्दोजहद के बाद लेपर्ड को ट्रैकुलाइज कर काबू में किया गया, तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारी गाड़ी में ट्रैकुलाइज लेपर्ड को डालकर नाहरगढ़ ले गए। जानकारी के अनुसार पूरा वाक्या बस्सी क्षेत्र के कानोतागढ़ स्थित सर्वेंट क्वार्टर का है, जहां गुरुवार सुबह एक लेपर्ड घुस गया। तब गढ़ के चौकीदार ने लेपर्ड को सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाते हुए देखा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद टहलते हुए लेपर्ड झाड़ी की ओट में बैठ गया, फिर अचानक रिसॉर्ट के कमरे की तरफ निकला और अंदर जा घुसा। इतने में चौकीदार ने बिना देर किए कमरे को लॉक कर दिया। गनीमत रही कि जिस कमरे में लेपर्ड गया उसमें कोई पर्यटक नहीं था। हालांकि लेपर्ड को देखते ही बाकी पर्यटक सहम गए और अपने कमरे को छोड़कर भाग छूटे। आखिरकार जब लेपर्ड को ट्रैकुलाइज किया गया तब सभी की सांस में सांस आई। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट।